सिक्स मेन टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास फोर सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर इज अ हायर देन नॉर्मल। ऐसे हमारा नॉर्मल प्रेशर 120 टू 80 mm Hg होता है। इन मेजरमेंट में क्या होता है कि 120 mm Hg जो है ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, पंपिंग प्रेशर है, और 80 mm Hg ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर और रेस्टिंग प्रेशर है। If repeated checks of blood pressure of an individual is 140 or 90 or 140 over 90 or higher, it shows hypertension. हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो जाता है, हार्ट डिसीज हो जाती है। ऑल्सो इफेक्ट वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, किडनी को इफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट सब टॉपिक आ जाता है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। तो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस अफेक्ट वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। इससे क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू जो क्या करते हैं, विच मेक द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो, जिससे क्या होता है आर्टरीज जो है नैरो हो जाती हैं, इलास्टिक लूज तो हार्ड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है एंजिना पेक्टोरिस एक सिम्टम ऑफ ए एक्यूट चेस्ट पेन अपेयर जब इनफ ऑक्सीजन नहीं आती हमारे हार्ट मसल्स में। मायोकार्डियल इस्कैमिया, जब इनफ ऑक्सीजन नहीं आती ना स्टम को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कैमिया। ये कब होता है, बिकॉज ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। देन नेक्स्ट आ जाता है हार्ट फेलियर, लास्ट वाला फोर्थ। हार्ट फेलियर मीन्स की स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी। समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन टू मेन सिम्टम ऑफ डिसीज। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज ए कार्डिक अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग और अ हार्ट अटैक व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएक्यूट ब्लड सप्लाई। तो ये सारा हमारा यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कौन सा, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके।